संग्राम। मत हैरान हो कि ना परेशान हो कि हा, ना हैरान हो कि हा, ना परेशान हो कि ए हो जाए वाले भाई। हम नहीं खी जनत के जाए, हमरा का मालूम बटे के जाए, लेकिन जे भी जाए हमने के सुर संग्राम से जेकर विदाई होई, होई जेकर भी विदाई पुना असुवा बहाई मौका बार बार आई। मत हैरान हो कि ना परेशान हो कि हा, ना हैरान हो कि हा, ना परेशान हो कि हा, ए हो ए हो जाए वाले भाई। मत असुवा बहाई बोका बार बार आई। मत हैरान हो कि ना परेशान हो कि हा, ना हैरान हो कि हा, ना परेशान हो कि हा। सही बात कहतनी आप लोगन के दिल के बात करतनी, उन लोग के दिल के बात करतनी, और सबसे बड़ी हम अपने जज साहब लोगन के भी दिल के बात करतन। आंसू मत भाई हा, जे भी सुर संग्राम के सिपाही बनल, जे भी सुर संग्राम के सिपाही बनल, ओकरा पर बाटे एन्हनो के पगड़िया तनल, ओकरा पर हो बाटे हमनो के पगड़िया तनल, ओकरा के पगड़िया तन। हे हो यूपी वाले भाई है बिहार के लड़ाई, ये हो यूपी वाले भाई है बिहार के लड़ाई। मत हो मत आवे दरवाई, मत हैरान हो कि है ना परेशान हो कि हा, ना हैरान हो कि है ना परेशान हो कि है। स्वागत खातिर तैयार बाटे भोजपुरी संगीत के महासंग्राम सुर संग्राम दीवाना बना दे। हम आज मनोज तिवारी आप लोग एक बार फिर से हाथ जोड़ के दिल से भाव से प्रणाम करत बनी। भोजपुरी माटी के, भोजपुरी धरती के साथ साथ दुनिया भर में फैलल भोजपुरी भाषा भाषी लोगन के, और आज जैसन कि हम आप लोग के गीत सुनावत अली हैं कि मत हैरान हो कि हा, ना परेशान हो कि हा, आंसू नहीं के बहावे के, कहे कि सुर संग्राम में जे आयल बाटे वो हमनी खातिर बहुत बहुत बड़ कलाकार बाटे, लेकिन जब वो जात के आंसू बहावत अटे, पिछले शुक्रवार शनिवार के जब तीन तीन लोगन के आंसू देखनी जा, और आज भी वो आंसू बहे के आशा बाटे हमरा कहे कि आज भी तीन लोग हमनी के छोड़ के चल जाए। पिछला एपिसोड में का भइल बाटे ये आप लोग देख नहीं हो कब जा, जे घर में बैठ के टीवी के सामने देखत अटे, आप लोगन के मालूम बाटे कि हमनी के 24 गो महायोद्धा चुना के अइले, वह 24 में से 6 लोग एह महासमर से उनकर सफर रुक गए। अब बचले 18 लोग, और 18 लोग से 9 लोग आज हमनी के एपिसोड के हिस्सा बाड़े, जोना में आज उत्तर प्रदेश के संख्या थोड़ा ज्यादा बाटे, ये लोग 5 लोग बा, और बिहार के लोग सिर्फ 4 लोग बाटे। ए एपिसोड में हम कह सकीला कि बिहार एक अंक से पीछे चल रहल बाटे, लेकिन पता नहीं कब केकर कहां आगे बढ़त हो जाए। तो अब हमनी के शुरुआत हो यह बात खातिन कि एकरा में से कौन 6 लोग आगे बढ़ जाए और कौन 3 लोग यहां रुक जाए।
और एकर फैसला करे खातिन स्वागत करी जा जेकर चर्चा बाटे गांव गांव गली गली बस्ती बस्ती हमनी के पहली जज आदरणीय मालिनी अवस्थी। देखिए आप खातिर हम बड़ा कितना बढ़िया बढ़िया शब्द कही ला। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हमनी के जज लोग सामान्य नहीं की जा, हमनी के जो दूसरी जज के कुर्सी से शोभित कर रहल बाड़ी सुर जेकरे साथे चलेला, ताल जेकरा से दोस्ती करेला, नौजवानन के धड़कन भोजपुरियन के दिल के सपना, आपके हमर सब कर कल्पना, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे कल्पना जी की। कल्पना जी आपके बहुत स्वागत बटे हृदय से। मनोज जी मैं तो ये बोलना चाहूँगी, जैसे आपने शुरू किया आज का माहौल बहुत ही गमगीन बहुत सेंटिमेंटल हो गया था, और सभी पार्टिसिपेंट्स से ये बोलना चाहूँगी हर हार के बाद जीत होती है, हर रात के बाद सुबह होती है, यही आशा लेके हम लोगों को चलना है और जीवन में भी वही बात है। और दूसरे मूड में आती हूँ मैं, रोआ आज बहुत हैंडसम लगातार और एक्सीडेंट हो गए जी, 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 जी। दो लाइन गाना चाहती हूँ आपके लिए। अरे जल्दी, मेरे मन की भावना। राजा जानी हो दिल पर जानी स्वीकार हो गई, स्वीकार हो गई बस। यही मस्ती है जुनून, और यही खातिर तो हमनी के सुर संग्राम के कल्पना के ली जा। अब हमनी के तैयार बनी जा पूरी तरह से वही मस्ती वही रंग और वही उमंग में, फौज भी आ तैयार आमने सामने बाटे यूपी बिहार, हर कोई के बाटे अपने बारी के इंतजार। तो अब हम बुला रहल बनी उत्तर प्रदेश के फौजी नंबर वन गोरखपुर बाबा गोरखनाथ के धरती से विजेता गोस्वामी के जोरदार ताली से स्वागत करेंगे युद्ध में। देखा जा हर बार तक तुम लोग के बुला के हम भाग जात रहनी ठीक ना, लेकिन आज हम ऐसे ठहर गए थोड़ा देर कि हम चाहता नहीं कि वो धड़कन के बारे में जान ली जवन धड़कन एह एपिसोड में आके तोहरे अंदर होत होई, कैसन महसूस होता टे उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठा तोहरे ऊपर बाटे। बहुत ही अच्छा लगा था हमके सुर संग्राम में, हमार बहुत भाग्य बा के यहाँ हम अपन जज के सामने गाना सुना पाते जोन हमार बहुत दिन से इच्छा रहा। बाकी कोनो डर है? डर तो हम छोड़ के आ गए बाटी, काहे के ये पक्का इरादा बनैली बाटी के यूपी के ही जीता के जाए, बाकी जोन होई जज के ऊपर बा। चला तुम्हारी सपना जरूर पूरा होई और अपने तरफ से पहला फायरिंग शुरू कर। बेस्ट ऑफ लक। नैन छुरी से कटारी हो गए, रूप के दुनिया पुजारी हो गए, केहू नजरिया में आके जब बस जाई तजनिहा की प्रेम के बीमारी हो गई। अरे पियावा सिवान से, अरे पियावा सिवान से अन्हार भले आई, देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई, देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई, पियावा सिवान से, पियावा सिवान से अन्हार भले आई, देवर तनी देहिया पर डाली दर
गीता गोस्वामी जी खातिर गोरखपुर के विजेता तोहर तो नौवे विजेता बाटी, तो बाकी तो हारे के सवाल ही नहीं थे, और आगे कल्पना जी बताई है आपके बारे में। विजेता आपका कॉन्फिडेंस लेवल परफॉर्मेंस लेवल दोनों में बहुत पहले से बहुत बढ़िया भइल, अच्छा भइल, और आपके वॉइस में भी वो मैंने पहले भी बोला वो फोर्स है, वो ताकत है, और आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। बाकी एक दूसरा मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे, आप कहाँ से? गोरखपुर से। हाँ, गोरखपुर से बाटी हूँ। और बॉम्बे में आके ये जो मेकअप, ये ड्रेस, ये लाइट्स, ये कैमरा, ये एक जो ग्लैमर की दुनिया है, ये कैसा लग रहा है आपको? वो चेंज कैसा लग रहा है? जब हम टीवी में कोई भी रियलिटी शो देखें तो हमके बड़ा मन लगा कि हमू ऐसे जाके गाई और हमके भी सुंदर से सजाइल जाए, तो हम देखे कैसा लगा था टीवी में। यही मन में शौक रहा और इच्छा रहा हमार, जो हमार माता जी पूरा कर ली। मैंने ये बात इसलिए पूछा आपको क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, मुझे मालूम है। आज की जो संगीत है वो सिर्फ सुनने की नहीं है, वो लता जी आशा जी के समय चला गया, जो सिर्फ सुना सुनते थे लोग, आज सुनने के साथ देखते भी हैं। तो गाने बजाने के साथ, रियाज के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, आप क्या पहन रहे हो, आप कैसे देख रहे हो, तो मैं इसलिए आपको ये सवाल पूछा। बहुत अच्छा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तोरा के तो कल्पना जी पास कर देले बड़ी, और मालिनी जी आपका विजेता। सबसे पहले तो बात ये कि आपके गाना सुन करके हमके आदरणीय शारदा सिन्हा जी के याद आ गई, सुर के आज कई जगह गड़बड़ आपके भइल, शुरुआत के में भी और बीच में भी कहीं कहीं कब्बो कब्बो सुर ऊपर नीचे हुला, ओके थोड़ा सा सहेज करके आप गाई, कहे से कि आपसे हम सबके ढेर ढेर आशाएं हैं। चला बहुत बढ़िया, तो हर एगो सपना तो पूरा हो गया बड़े, कि खूब मेकअप वेकअप होके खूब सजा के एकदम टीवी पर आवे, और अब तो गोरखपुर जाइए तई तो सबको तोहरा ये कही कि भाई विजेतवा लोकल हो, बड़ा सुंदर लागत रहे, कल्पनो कहत रही कि सुंदर लागत रही है। तो चल अपने जगह पर बैठ जा। उत्तर प्रदेश के तरफ से पहला गोला दग चुकल बटे आज, जब 9 में से सुपर 6 के घमासान शुरू हो गया बटे। के सुपर सिक्स में जाई एह बात खातिन नंबर के खेल शुरू बा, के होई पास के फेल शुरू बाटे। अब देखी उत्तर प्रदेश के जब पहला फौजी के गोला चलल तो ओकरा में कितना ताकत बाटे, ये तो जज साहब लोगन के नंबर बताई, वैसे आप लोग तो देख सुन के महसूस केले हो कब्जा, लेकिन एह महादंगल में अब बाटे उत्तर प्रदेश के जवाब में बिहार के बारी, और अमरजीत विक्की के बोला रहल वाले मनोज तिवारी रांची धनबाद से जोरदार ताली से स्वागत करके। आज तो हर ड्रेस तो बहुत गजब बा भाई, कुछ खास तैयारी बटे का ये गाना पे? रहुआ कुछ खास तैयारी कर ले बानी हम ये गाना पे के ले बानी एकदम, और कोई डर भय जरा सा कुछ ना? लगातार तो सुपर सिक्स में जइबा, एकदम जइबा, तो हमरा से कैसे रोकइबा? तू कर वही कुमार लफड़ाए गोरी
खेलू ऐसे जैसे लागे लिहो नगीनिया काल तो हद लाल जैसे भोर के हो कि बीनिया है खेलू ऐसे जैसे लागे लिहो नगीनिया चढ़ली जवानी कुमडल बदरा चढ़ली जवानी कुमडल बदरा जान मारे तोहरो तू मिस घगरा है गोरी जान मारे तोहरो तू मिस घगरा है गोरी जान मारे तोहरो तू मिस हेने 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 तो नहीं आओ यार गाना तो तू भैया बहुत बढ़िया गोले तो एक एक भाव बहुत एकदम नशा में रहे लेकिन जब तू कहत लग कि हाय रे उठ लाली तो ये बड़ा हमरा चक्कर में पड़ गई नहीं कि ये हाय रे उठ लाली ये कैसे हो गया उठ लाली मैंने ओठ तो ये गाना के जो मूड बा हाँ हाय रे उठ लाली अच्छा जो उठ लाली पे ऊपर में कमेंट बा कि हाय मतलब नशीला अच्छा ओकरे बाद गिर जात रह जैसन पगड़ी बाटे वैसे ही तोहार गोला भी बाटे बिहार के और हम चला तनी यही चोला खातिर का संदेश बाटे कल्पना जी की भोजपुरी बीट में पंजाबी डांस बहुत अच्छा रहेगा जो आपने यहाँ किया और बहुत ही आपका प्रेजेंटेशन में हमेशा बहुत लास्ट एपिसोड में भी हम लोगों ने देखा बहुत जोश और मस्ती रहता ही है वो तो है ही जो स्टेज परफॉर्मेंस में ज़रूरत होती है बाकी शुरुआत में मुखड़े में एक जगह मुझे जैसे अपने होठ लाली बोला उस पर मुझे थोड़ा सा सुर शार्प लगा मीन्स चढ़ा हुआ इतना तो हो जाता है लाइव परफॉर्मेंस में बाकी बहुत बढ़िया अब तोहरे खातिर हम चला तनी ओह जज के पास जेकर दिल थोड़ा कठोर बा लेकिन मन बहुत मोर बा मोर मने बाबू हिला देला अमरजीत जी सबसे बढ़िया बात ये कि आप पंजाब के रहे वाला हैं लेकिन बावजूद इसके भोजपुरी भाषा में आपके जौन पकड़ बा बोले में ओकर इजहार करे में वो कमाल की टाइमिंग है बहुत बढ़िया लेकिन शुरुआत में आपके गाने की शुरुआत में आपका सुर काफ़ी ऊपर सुर से नीचे उतरा और पिकअप लाइंस एडलिप जो शुरू में आपने गाया था वो पूरा फ्लैट गया था शुरू का और आप लोग ऐसी कोई गड़बड़ी करेंगे फिर मनोज जी को मौका मिल जाएगा कि ये जज बड़ी कठोर बा कठोर नहीं मनोज जी देखिए आज तो मैं एक चॉकलेट लेकर के आए जिसकी सबसे अच्छी प्रस्तुति होगी उसके लिए साइज पे मत जाइएगा भाव पे जाइएगा तो देखिए आज केकर मिली हम तो कंपटीशन में बानी पहला गाना गोली बहुत अच्छा लैकन के गाए दे अब कब तक तू फिर मैं रह चॉकलेट के लैकन छोटा लड़कर के गाए दे चलिए आप खातिन जज लोग बहुत पॉजिटिव बात के लिए बाटे और अपन बिहार के गोला लेके अपने रेजिमेंट में शामिल हो जाए दौड़ के हम सोच रहल बनी कि के बनी अपने मिट्टी के लाज के पहनावे में सफल होई अपने प्रदेश के सुर के ताज जंग जारी बाटे घमासान हमनी के सुर संग्राम के आपके सामने वैसे ही बनौले रहब और अब बुला रहल बानी उत्तर प्रदेश फौजी रेजिमेंट के एगो ऐसन सिपाही के जौना के नाव सुन के थोड़ा थोड़ा तो दहशत बिहार में जरूर हो जा रहल बाटे बिहार के टीम में माफ करब हम स्वागत करत बानी अपने मंच पर गाजीपुर उत्तर प्रदेश दिलदार नगर के रहे वाले मोहन राठौर के हाथों खिलाओ था हाँ मुसुक मुसुक तो बहुत अच्छा बोल रहे बटन
ई शर्ट केकर है, मतलब नाप से सियल बाटे, बहुत अच्छा बाटे। गांव में भी ऐसी जींस के पैंट पहने ला? जी पहने ला? पहने ला कम। अच्छा प्यार भइल बा कबो? ना ना, प्यार बस यही से बाटे, भोजपुरी। अच्छा भोजपुरी गीत संगीत से? गीत संगीत से। दाग गोला जैसन तोहर लगन बा, सुर से मिलल जे मन बा, वो हमरो के हर सावत बा। तू एकदम मस्त होके गावत ले गुरु, तो आज तू गावत रहा तो हमरा लागत रहा कि सिवान में तू डिल्ला पर चढ़ के दम गाना गावत रहा सारा संसार के जज मान के। कल्पना जी आप खातिर का बोलिए देखे के। मोहन जी आप मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत बहुत पसंद है आप, आपके गीत, आपके जो फोर्स, सब कुछ। और मैं नहीं चाहूंगी कि आगे भी आप मुझे निराश करें, इसी तरह से गाते रहिए, किसी को केयर नहीं करना है सामने कौन। जोरदार ताली बजाओ का देखा तो। और एक बात लिट्टी चोखा खाए हैं ना आप लोग? जी। आज से आपका नाम लिट्टी चोखा, क्योंकि मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, आज से लिट्टी चोखा आपका नाम। तो माने हमनी के लिट्टी रहुआ चोखा? ना 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 ना, मोहन जी लिट्टी भी चोखा भी, और हम लोग एक साथ खाएंगे। अच्छा हम लोग मनोज जी के साथ नहीं? अच्छा मनोज जी के साथ कुछ और खाएंगे। अच्छा तो मलाई बर्फ? रस मलाई। रस मलाई, चलिए। कल तू बड़ा डेरात रहले ना? ना अभी कहू में डेरात बड़े की डेरात रहनी। मोहन जी दीदी, हमके आज यही एहसास हो गए बा कि तू लंबा रेस के घोड़ा बानी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नाम आप और रोशन करी, और लोक संगीत के आप नाम रोशन करी। जौन गीत आज आप चुनल,
ओकर मिजाज ओकर तेवर सुर के लगाव ओज प्रस्तुति बेजोड़ बेजोड़ बताओ। और आज आपका गायन आपके गाने का संकलन आज गाने के चुनाव भी उस तरह का है जो मुझे लगता है कि जो सुर संग्राम जो बहुत सारी उम्मीद लेकर दर्शक हमारे भोजपुरी खाली हिंदुस्तान में नहीं बहुत दूर दूर देशों में बैठे हुए भी जो हिंदुस्तानी भाई बिहार यूपी से जुड़े हुए लोग देख रहे होंगे आपको देख करके अपने गांव अपने खलिहान खेत खलिहान अमराई नदी किनारा तालाब जैसे बता रहे थे अपने गाय अपना झोपड़ सब याद आ जाओगे। धन्यवाद। काल तत्व बड़ा डेरात रहे देख सास सच बोल दे कहें कि अब जज साहब खुश बड़ी अपने दिल के बात बता दे का कहें डेरात रहा ऐसे डरात रहनी कि एजा हम आयल बानी भैया भोजपुरी भोजपुरी गावे खातिर खास करके हमनी के क्लासिकल से जानकारी नहीं थी हमरा हम भोजपुरी माटी से जन्मल बानी और भोजपुरी हम जानीला एजा तक आयल बानी सब भोजपुरी भाई हम सब मिल के एजा भोजपुरी प्रोग्राम देखावे खातिर ऐसे भैया हमके तनी क्लासिकल वाला बात कल आ गई रहे ऐसे तनी हमरा भय लाग गई रहे। अब तो डर खत्म ना मालिनी जी बहुत निक जज है कोला अपन संभार के जेकरा रथ में लहरत रही सुर के डंडा ओकर सबसे ऊपर रही झंडा जेकरे सुर में होई सच्चाई उहे सुपर सिक्स में जाई। तो अब मनोजवा बिहार के अगला फौजी के बुलाई जोरदार ताली से स्वागत करी जा ज्योति साहू जी के। सुपर सिक्स के दरवाजा सामने लौक रहे बटे आज अगर यहां से जेबू तो सुपर सिक्स में चल जेबू बिहार के सुपर सिक्स में। कुछ ऐसा घबराहट कुछ ऐसा डर ना सर कोनो घबराहट ना बा बिल्कुल नहीं। तो तीर की तलवार तलवार आई जान ले बका खाई के मगहिया पान ए राजा हमरे जान ले बका है खाई के मगहिया पान ए राजा हमरे जान ले बका जान ले बका तू हमरे जान बहुत बढ़िया बात हो गई। आज लगता है कि सुपर सिक्स की लड़ाई
बहुत तेज होखल जाता ये भाई। सुपर सिक्स में किए जाई ये तो जज साहब लोग के माथा चढ़चढ़ाई, हमरा कवन टेंशन बाटे ये भाई। गाना तो बहुत अच्छा गौलू, बाकी काम कल्पना जी करो। ज्योति जी आपने बहुत ही अच्छा गाया, मुझे कोई नुक्स ढूंढने का मौका नहीं दिया आपने। मैं सोच रही थी कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए और मैं चच्चे पकड़ लूँ उसको। बहुत ही मज़ा आया, और खासकर आपने जो ए राजा हमरी जान ले ब, ये जो आपने धन्यवाद एक्सप्रेशन के साथ जो मतलब स्माइल एक रख के आंखों से जो बोला आपने, मुझे बहुत पसंद आया। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मालिनी जी, ज्योति जी मैम, मगही पान खाया कभी? जी खाया है। खाया है। खिलाने का जो आनंद था, जो भाव था, वो बहुत सही था, बहुत अच्छा था। और अच्छी बात यह कि आपने अपनी वॉइस क्वालिटी के हिसाब से गाना चुना, बहुत बढ़िया। आपके गाना हम सब लोगों के बहुत बहुत प्रभावशाली लगल, बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। तो फिर जज लोग बहुत अच्छा अच्छा बोले बाटे। आज गेट तोड़े के तैयारी चल रहा बा कि के तोड़ी सुपर सिक्स के गेट, तोड़े वाला बनी के कैंडिडेट, केकर वार होई एकदम एक्यूरेट, अब पता नहीं के हो जाए लेट। तो भैया एकरा के आगे बढ़ावे खातिर हम बुला रहल बानी उत्तर प्रदेश के एक फौजी, सुल्तानपुर के रहे वाले जुबेर आलम भाई के जोरदार ताली से स्वागत करें। जब के रोग जवानी में दे गए अखिया, गजब के रोग जवानी में दे गए गजब के रोग जवानी में दे गई लखियां। गाहूं वाला बैठल बाड़ी, लिखहूं वाला बैठल बा, जे वो गाना पर जेकरा पर गाना फिल्माओल गिल बाटे वो तोहरे सामने बाटे, एकरा से बड़ा संजोग का हो सकेला कल्पना जी? बहुत बहुत बढ़िया लगा, और खासकर इस गीत में वो बात है, रिकॉर्डिंग करते वक्त भी मुझे याद है हम लोगों ने स्टूडियो के लाइट डिम कर लिए थे ताकि वो मूड मिले, माहौल मिले। और एक बात अच्छा लगा, आपने एक अलग नोट लगाया इसमें, ऐड किया, क्या था वो? नींद नींद ने
नींद नैना ये नोट नहीं था आपने लगाया अच्छा लगा ये बाकी एक दो जगह पे जैसे अखिया गजब के रोग जवानी में दे गए अखिया ये बहुत अच्छा से नहीं आया वो एक दो बार मिस फर्स्ट टाइम आया था मुझे लगता इन्होंने है लाइट नहीं बंद किया था नहीं नहीं लाइटिंग बहुत अच्छा था और अच्छा हो सकता था लेकिन फिर भी आपने पिछले एपिसोड से ये एक वैरायटी चुना आपने उस हिसाब से बहुत बहुत बधाई आपको मालनी अवस्थी जी आपने जब जब रोग कहा है गजब के रोग सांस लेके ग फिर आपने अलग से कहा रोग का रो अलग ग अलग जबकि रोग उसका शब्द का जो मायने है गजब के रोग जवानी में दे गई अखियां ये अर्थ आएगा यदि आप रोग को सांस लेकर के तोड़ के बीच में गाएंगे ये म्यूजिक डायरेक्टर सिखलाते हैं जब आप प्लेबैक गाते हैं या गजल गाते हैं क्योंकि शब्दों को तोड़ने से उनका अर्थ का पूरा हिसाब मिजाज गड़बड़ हो जाता है दूसरी बात गाना शुरू होने में पिकअप में आपसे देर हुई गड़बड़ हुई थोड़ा सा लेकिन इस बात को मैं सलाम करती हूँ कि ये गाना सीखने का कॉन्फिडेंस होता है कि वो तालमेल में अंतर होते भी आपने बिना किसी चूक के उठा लिया और किसी को मालूम भी नहीं चलने दिया कि गलती हुई ये सीखने का फायदा है बहुत बढ़िया एक अलग अंदाज देखने को मिला बहुत अच्छा मूड में गाया बहुत बहुत बधाई जोरदार ताली स्वागत करके जुबेर भाई अपने स्थान पे काबिज हो जा